इस वीडियो में हम बात करेंगे एटीजीएल शेयर के बारे में, यानी टोटल गैस के बारे में। अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए लेवल्स क्या बन रहा है इस वीडियो में, केवल वहीं हम बात करेंगे। वीडियो को पर लास्ट तक तो आप देखते रहिए, एंड अभी तक तो आपने अगर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और आज के मार्केट के सेंटिमेंट के ऊपर हम बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे वीडियो में और देखेंगे लेवल्स यहाँ पे क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आप आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी है आप यहाँ पे ध्यान जो है दे सकते हो। तो अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। तो यहाँ पे इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या माहौल रहा आज का दिन। मतलब ओवरऑल शुरुआत में तो आपने देखा होगा कि जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ उस टाइम पे शेयर में, सॉरी यहाँ पे इंडेक्स में भी है, इंडियन मार्केट में तेजी ही तेजी हमें देखने को मिल रहा था। बट अगर हम बात करें तो ओवरऑल लास्ट में कह सकते हो कि जो परफॉर्मेंस है वो कह सक्कते हो कि लो हमें यहाँ पे देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिला है, चाहे वो निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी आईटी और एसएनपी बीएसई स्मॉल कैप, आप देख सकते हो यहाँ पे सभी में गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। अब बात करें इसमें और भी बहुत सारे स्टॉक में भी गिरावट है, तो यहाँ पे अदानी टोटल गैस की अगर हम बात करें तो 1.89% की गिरावट यहाँ पे हमें नज़र आया है अदानी टोटल गैस शेयर में। अब इसी के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या लेवल्स यहाँ पे बन रहा है उसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए, एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो, बाकी आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, यानी आज का परफॉर्मेंस क्या रहा। 1.89% गिरावट, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो 50% से भी ऊपर का डिलीवरी परसेंटेज हमें यहाँ पे देखने को मिला है, 50.02%। जितना क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुआ है उतना आज के दिन अगर हम बात करें तो 50.02% क्वांटिटी डिलीवरेबल क्वांटिटी हमें देखने को मिला है। अब देखेंगे यहाँ पे जितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है उसमें से 50.02% डिलीवरेबल क्वांटिटी हमें यहाँ पे देखने को मिला है, डिलीवरी में बाइंग हमें देखने को मिला है, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी आप देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे वीडियो में और यहाँ पे लेवल्स के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे उसके बारे में देख लेते हैं लेवल्स यहाँ पे क्या बनते हुए नज़र आ रहा है। वॉल्यूम के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वॉल्यूम अगर देख सकते हो कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से वॉल्यूम क्या नज़र आ रहा है हमें, स्टडी के मुकाबले आज का वॉल्यूम क्या है 1 वीक एवरेज में और 1 मंथ के एवरेज में भी देख सकते हो वॉल्यूम क्या है। और बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50% लोग कह रहे हैं बाई, 50% लोग कह रहे हैं सेल। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे, और यहाँ पे आप खुद भी जाकर ओपिनियन अपना दे सकते हो बाई सेल या फिर होल्ड का। तो ऐसे ही लोगों ने यहाँ पे ओपिनियन दिया है, अपना अपना ओपिनियन कह सकते हो फिर बाई सेल या फिर होल्ड का जो भी है, तो 50% बाई का और 50% होल्ड का, सॉरी 50% बाई का और 50 यहाँ पे सेल का, होल्ड का यहाँ पे 0% दिख रहा है अभी के टाइम में। आगे बढ़ेंगे वीडियो में लेवल्स के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे लेवल्स क्या बन रहे हैं, देखिए अगर शेयर में गिरावट यहाँ पे नजर आता है हमें तो कौन से लेवल्स पे आप ध्यान दे सकते हो। मैं 15 मिनट के बाद फिर मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए अगर गिरावट आता है तो सबसे पहले 715 का जो लेवल है इस लेवल के आसपास आप ध्यान दे सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो 715 का लेवल आजकल लो बनाया है, तो कहीं ना कहीं इस लो लेवल पे आप ध्यान दीजिएगा, 718 पे क्लोजिंग दिया है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें इसको भी, अगर ये ब्रेक करता है डाउन ट्रेंड, देखिए पहले के और भी लेवल्स हैं यहाँ पे, ये बात नहीं है कि अभी फिलहाल के लेवल्स नहीं है, मतलब फिलहाल के 1 महीने पहले के 2 महीने पहले के लेवल्स यहाँ पे नहीं है। पहले के क्या लेवल्स निकल के आते हुए दिख रहे हैं, 700 का पूरा लेवल है क्या, जो कि ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो डाउन साइड में अगर गिरावट होता है तो ये कुछ लेवल्स पे आप ध्यान दीजिएगा, 700 के लेवल पे और 715 के लेवल पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपको तेजी शेयर में देखने को मिले तो सबसे पहला जो लेवल रहेगा वो 700 का लेवल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 700 का लेवल, 729 का लेवल सबसे पहला अगर तेजी होता है तो। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो हमारा कुछ 750 का लेवल, तो ये कुछ लेवल्स हैं अपसाइड में, जो कि आप आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ध्यान दीजिएगा, तेजी होता है तो अपसाइड में, गिरावट होता है तो डाउन साइड में। बाकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, देखिए वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।